अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन 15.15 से। सो डिटेल डिस्कशन के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 15.15। पूछा गया है, अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द ऑसिलेशंस आर स्ट्रॉन्गली डैम्प्ड व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट। एक्सप्लेन व्हाई दिस अकर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर एक बार मैग्नेट है इस तरह से, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये अटैच है किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ थ्रू अ थ्रेड, धागे के साथ हैंग किया गया है, और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये अपनी ऑसिलेशन फ्रीली कंटिन्यू करेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पे ये वापस आएगा और अपनी ऑसिलेशन जारी रखेगा। जहरी बात है, फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होंगी तो ये ऑसिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएंगी, लेकिन हम फिलहाल फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होने वाले डैम्पिंग, दैट मीन्स ये जो एम्पलीट्यूड आगे चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर इसके नीचे यहाँ पे हम प्लेस कर दें कोई मेटेलिक प्लेट, चाहे वो मेटेलिक प्लेट किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की हो, जैसे कॉपर, कॉपर की बनी हुई प्लेट मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन इस केस में जब ये मैग्नेट यहाँ पे इस प्लेट से दूर जाता है ऑसिलेट करता हुआ, इस तरह से कि इस पोजीशन पे आ जाता है, हाइट भी बढ़ जाती है और थोड़ी सी जो ओरिएंटेशन है वो भी तब्दील हो जाती है, तो इसका नतीजा ये होता है कि ये नॉर्थ पोल इस प्लेट से दूर जा रहा होता है। दैट मीन्स दूर जाते हुए नॉर्थ के सामने ये प्लेट अपना साउथ बनाएगी और अपोजिट साइड पर नॉर्थ बनाएगी। फिर उसके बाद जब ये मैग्नेट वापस मेन पोजिशन की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से कि इसकी ओरिएंटेशन भी वापस सीधी होगी और ये इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो इस वक्त चूंकि नॉर्थ इस प्लेट के करीब आ रहा है तो ये प्लेट इस नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ और ऑपोजिट साइड के ऊपर अपना साउथ बना लेगी। उसके बाद ये अपनी ऑसिलेशन ड्यू टू इनर्शिया जारी रखेगा और मूव करता हुआ ऑपोजिट साइड पर जाएगा। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आएगा और इसकी ओरिएंटेशन भी इस तरह से तब्दील होगी, बेंड भी करेगा। नतीजा क्या होगा कि अब नॉर्थ अगेन इस मेटालिक प्लेट से दूर गया है, इसलिए ये प्लेट दूर जाते हुए नॉर्थ के सामने साउथ और ऑपोजिट साइड पे नॉर्थ बनाएगी। और अब जब ये नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे इस जगह के ऊपर ये वाले, तो इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन की वजह से ये मैग्नेट फ्रीली दूर जाने के बजाय अट्रैक्शन की फोर्सेस की वजह से उतना दूर नहीं जा पाएगा। और उसके बाद अगेन जब ये मैग्नेट दोबारा करीब आएगा इस मेटालिक प्लेट के, चाहे वो नॉन मैग्नेट हो, सो वो दोबारा जब इस पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, अगेन ये मेटालिक प्लेट इनकमिंग नॉर्थ के सामने नॉर्थ और ऑपोजिट साइड पे साउथ बनाएगी। दैट मीन्स अगर ये मैग्नेट दूर जाना चाहेगा तो इसके नॉर्थ के सामने साउथ बनेगा और दूर जाना सपोर्ट नहीं होगा, अपोज होगा, और जब ये मैग्नेट करीब आएगा तो इसके नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा और इसका करीब आना भी अपोज होगा। सो इसकी वजह से इसकी जो ऑसिलेशन है वो स्ट्रांगली डैम्प होगी, जिस तरह फ्रिक्शन से कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता चला जाता है वैसे नहीं होगा, बल्कि बहुत शार्पली इस तरीके से एम्पलीट्यूड डिक्रीज करके ये ऑसिलेशन रुक जाएंगी और रेस्ट के ऊपर आ जाएगा ये मैग्नेट। अब जो हमने मेटालिक प्लेट की बात की है, मेटालिक प्लेट अपना नॉर्थ और साउथ किस तरह से बना सकती है? मेटालिक प्लेट के पास अपना नॉर्थ और साउथ बनाने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो ये कि जब उसने यहाँ पे नॉर्थ बनाना है और यहाँ पे साउथ बनाना है तो राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अगर आपका थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो इस मेटालिक प्लेट में जो करंट्स हैं, कन्वेंशनल करंट्स, वो इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करें या फिर ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करें। और जब ये केस होगा कि यहाँ पे अपर डायरेक्शन में साउथ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ बनेगा और थंब इस तरह पॉइंट आउट करेगा तो कर्लिंग फिंगर्स इस तरह पॉइंट आउट कर रही होंगी। अब हमें ये पता चलेगा कि टॉप व्यू से अगर देखने से करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी नॉर्थ नीचे की तरफ बन सकता है। सो क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली
इस तरीके से कभी करंट इस डायरेक्शन में घूमेंगे, कभी करंट इस डायरेक्शन में घूमेंगे। सो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को तब्दील करते रहेंगे, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस होते चले जाएंगे और मैग्नेट की ऑसिलेशंस अपोज होंगी। इन करंट्स को हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं, इन करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं, जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर के टॉपिक के अंदर भी एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स पहले से डिस्कस किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसका आंसर राइट डाउन कैसे करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, लेट अ बार मैग्नेट इज हैंग्ड बाय अ थ्रेड ओवर अ मेटालिक प्लेट, लेट्स कंसीडर दैट इट्स नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, when this north pole is going away from the metallic plate, the magnetic flux through the plate is decreasing. According to the formula of Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to minus N delta phi by delta T, and according to the statement of Lenz's law, the directions of induced EMF and induced current in the metallic plate are such that they oppose the cause which produces them. So in this case, the metallic plate will form a south pole in front of north pole of the bar magnet that is going away from the metallic plate. The conventional currents in the metallic plate will have clockwise direction. Phir hai, when magnet is coming towards the metallic plate, the magnetic flux through the plate is increasing and the directions of induced EMF and induced current are such that they will oppose the increment in the magnetic flux. Now the metallic plate will form a north pole in front of incoming north pole of bar magnet. The conventional currents in the metallic plate will have counterclockwise direction. Due to such opposition offered by metallic plate for the oscillations of bar magnet, the oscillations are damped strongly and the bar magnet comes to rest even when the metallic plate is non-magnetic. The currents circulating in metallic plate are also referred as eddy currents. हमारा आज का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 15.16, पूछा गया है, फोर अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू डिटरमिन द टर्न रेशियो। तो पूछा ये क्या है कि अगर इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर से फोर वायर्स इमर्ज आउट हो रही हैं, इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4, तो आप इसकी टर्न रेशियो ns ओवर np कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है इसका कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट ले लेते हैं, सर्किट इस तरह का हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक एमीटर हो जिसके साथ कोई बैटरी अटैच हो और वो डिफ्लेक्शन शो करे, तो उससे हमें पता चल जाए कि यहां पे कौन सी वायर के दोनों एंड्स कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एमीटर अटैच कर सकते हैं और ये अटैच्ड एमीटर अगर डिफ्लेक्शन देता है तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि ये जो दोनों एंड्स इमर्ज आउट हो रहे हैं ये एक ही वायर के दोनों एंड्स हैं। और लेट्स से अगर इस तरीके से ये कनेक्शन लगाने के ऊपर एमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता, ये बल्ब ऑन नहीं होता, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने चेक कर लेना है कि क्या ये दोनों एंड्स तो एक वायर के दो सिरे नहीं है, या फिर ये दोनों एंड्स तो एक वायर के दो सिरे नहीं है, तो हम डिफरेंट जगह के ऊपर इस एमीटर और बैटरी के कॉम्बिनेशन को अटैच करेंगे। हम यहाँ पे एमीटर की जगह एक और डिवाइस भी अटैच कर सकते हैं जो है ओहम मीटर। ओहम मीटर के अंदर भी अपनी बैटरी मौजूद होती है, तो जैसे ही ये इस तरह से कनेक्ट होगा कि यहाँ पे ये पाथ कंप्लीट हो जाए, तो पाथ कंप्लीट होने पर ओहम मीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी जिन भी दो एंड्स के अक्रॉस कनेक्ट करने के ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पास हो जाता है, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन आ जाती है, वो वाले दोनों एंड्स एक ही वायर के दो सिरे होंगे। सो लेट्स से मैं यहाँ पे अज्यूम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन बनाने पे डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका मतलब है कि ये वायर नंबर 1 के दोनों एंड्स हैं और जो दूसरे दोनों एंड्स हैं वो किसके एंड्स हैं, वो वायर नंबर 2 के दोनों एंड्स हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट खत्म कर लेना है और हमने स्टार्ट कर लेना है डिटरमिनेशन ऑफ रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेजेस। अब आप ये काम कीजिए कि इन दोनों वायर्स में से किसी भी एक वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस आप अप्लाई कर दो
प्राइमरी वोल्टेज और दूसरी सेट ऑफ वायर के एंड्स के अक्रॉस आप कनेक्ट कर दो कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टमीटर, कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो सेकेंडरी वोल्टेजेस को मेजर करेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, लेट्स से ये हम प्राइमरी कॉइल्स रेफर कर देते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल्स हैं, और हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस का सिंबल एक साइन वेव होती है इस तरह से, तो इसलिए हमने यहाँ पे सर्कल के अंदर साइन वेव को इंक्लोज किया है। अब हमने बैटरी रिप्रेजेंट नहीं करनी, तो ये प्राइमरी वोल्टेजेस हैं, ये यहाँ पे कनेक्ट कर लें। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड्स हैं इनके अक्रॉस कोई वोल्टमीटर लगा दें, जो वोल्टमीटर क्या करता हो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस मेजर करता हो। तो इस तरीके से आपको Vs और Vp पता चल जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि जो Vs ओवर Vp की रेशियो है वो वही होती है जो कि Ns और Np की रेशियो होती है। इस वजह से इस तरह से हम आसानी से सेकेंडरी वोल्टेजेस और प्राइमरी वोल्टेजेस के पता होते हुए टर्न रेशियो Ns ओवर Np किसी ट्रांसफार्मर की फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, If four unmarked wires are emerging from a transformer and we have to determine the turn ratio of the transformer, the first step is to perform a continuity test. An ohmmeter can be used to perform the test as it has its own battery in it. If connecting the terminals of ohmmeter to two wire results in deflection on the scale of the ohmmeter, it means that the two wires are ends of a same wire. If no deflection occurs on the scale of ohmmeter, we will connect the terminals of ohmmeter to different sets of unmarked wires until we are able to determine which two ends are ends of same wires. The next step is to apply an input alternating potential difference Vp to the terminals which are ends of same coil and name the coil as primary coil. Now measure the output voltage that is appearing across secondary coil's terminals. After this step, use the values in the following expression. Ns over Np is equal to Vs over Vp. Hence, the turn ratio will be determined. Let's say, agar primary voltages ki value 220 volts hai, aur jo secondary voltages hain, unki value 10 volt aa rahi hai, toh natija kya hoga? Ke turn ratio kya aayegi? Wo aayegi 1 to 22. That means, is case mein step down transformer hoga. Aur agar Vs ki value, let's say 440 volt over Vp की वैल्यू 220 वोल्ट आ रही है, तो आंसर होगा 2/1। तो इस केस में जो टर्न रेशियो होगी वो होगी 2/1। इस तरीके से हम टर्न रेशियो इस ट्रांसफार्मर की फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 15.17। पूछा गया है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? और बी पार्ट है, इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज देन द पावर ट्रांसफर्ड? सो हमने पहली बात तो ये कहनी है कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो उस केस में प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर लिमिटिंग केस में इक्वल आ सकते हैं। दैट मीन्स वीपी आईपी का प्रोडक्ट वीएस आईएस के इक्वल आएगा। सो अगर कोई पावर जनरेटर 220 वोल्ट्स एट 10 एम्पीयर जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इनपुट पावर 2200 वाट्स है, तो वो जनरेट भी मैक्सिमम, तो वो जब किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को फीड किया जाएगा तो जो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर पावर आएगी वो मैक्सिमम 220 वॉट ही आ सकती है। इसका मतलब है अगर हम वोल्टेजेस को स्टेप अप करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट प्राइमरी पावर के तकरीबन इक्वल ही आएगा अगर तो ट्रांसफार्मर आइडियल है। और अगर ट्रांसफार्मर एक्चुअल है तो फिर प्राइमरी पावर हमेशा सेकेंडरी पावर से ज़्यादा रहेगी। फिर हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर ये जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल पे पावर का रिलेशन बना रहे हैं जो इस तरह से बनना है, उसमें अगर आप वीपी आईपी और वीएस आईएस लिखते हैं तो क्या होगा कि अगर प्राइमरी वोल्टेजेस 220 वोल्ट्स एट 10 एम्पीयर किसी जनरेटर से जनरेट करके फीड किए गए हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल इनपुट कॉइल के ऊपर, तो उस केस में जब आप उसको स्टेप अप कर लेते हो, लेट से आपने कितना बना लिया है, आपने 220 वोल्ट को 2200 वोल्ट तक स्टेप अप कर दिया है, तो जो करंट है वो स्टेप डाउन हो जाएगा। हो सकता है करंट इस केस में जो बने वो 0.9 एम्पीयर बने और जो सेकेंडरी पावर है वो 1980 वॉट्स हो जाए। तो
एक्चुअल ट्रांसफार्मर के केस में जो सेकेंडरी पावर है वो इनपुट पावर की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। सो इस वजह से आइडियल केस में भी जो सेकेंडरी पावर है वो प्राइमरी पावर से नहीं बढ़ सकती, इसलिए हम किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करते हुए पावर लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकते। सो इस पार्ट का आंसर हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इन द केस ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर एज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर और VPIP इज इक्वल टू VSIS। सो इवन एन आइडियल ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल, इन द केस ऑफ एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आउटपुट सेकेंडरी पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट प्राइमरी पावर। सो इन द केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हेन द सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट विल बिकम लेस देन प्राइमरी करंट एंड पावर लेवल विल नॉट इंक्रीज। सो अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल। नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है, इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज पावर ट्रांसफर्ड देन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर क्वाइल बनाई जाए जिसमें यहाँ पे किसी प्राइमरी क्वाइल को कनेक्ट किया जाए और दूसरी तरफ यहाँ पे कनेक्ट किया जाए किसी सेकेंडरी क्वाइल को, अब अगर यहाँ पे प्राइमरी के ऊपर इस तरीके से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइकिल कनेक्ट किया जाता है, तो जब यहाँ पे ये वाला क्वार्टर आएगा ये एंड प्लस बन जाएगा, ये एंड माइनस बन जाएगा और इस क्वाइल के अंदर करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरह से होगी कि यहां बनेगा नॉर्थ और यहां बनेगा साउथ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी होगी कि वो इस पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव के सामने नेगेटिव बना रही होगी, जिसकी वजह से ये क्वाइल चाहेगी कि इस नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ बना ले राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक, क्योंकि जो क्वाइल है वो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में जनरेट करने की कोशिश कर रही है। सो इस वजह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस होंगे वो इस पहले क्वार्टर के अगेंस्ट इस तरह के बनेंगे, और उसके बाद चूंकि ये इंक्रीजिंग नॉर्थ पोल सेकेंडरी क्वाइल के साथ लिंक्ड है, सो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा और यहां पे बनेगा साउथ। अब राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक डाउनवर्ड नॉर्थ बनाने का एक ही तरीका है कि यहां पे करंट इस तरह से घूमे, इसका मतलब है यहां पे इस प्लस के सामने इधर प्लस आएगा और यहां पे नेगेटिव आएगा। सो ये है सेकेंडरी वोल्टेजेस की वेव। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये वाला क्वार्टर साइन वेव का इस वक्त आ रहा है, तो ये एंड जो है वो प्लस ही बन रहा है और ये एंड नेगेटिव ही बन रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे ये एंड नॉर्थ बन जाएगा, ये एंड साउथ बन जाएगा। इसकी वजह से क्वाइल के अपने पोल्स अभी भी वही पोलैरिटी रखेंगे, नॉर्थ डाउनवर्ड और साउथ अपवर्ड बनेगा, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। इसलिए कम होते हुए नॉर्थ के सामने जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी नॉर्थ, और कम होते हुए साउथ के सामने बनाएगी साउथ, ताकि अब उसकी वैल्यू मेंटेन रह सके, और ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा। सो इस वक्त यहाँ पे जो क्वार्टर जनरेट होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी क्वाइल की, तो कम होते हुए साउथ के सामने इस क्वाइल ने नॉर्थ बनाना है और नॉर्थ के सामने साउथ बना देना है, इसकी वजह से ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा और सेकेंडरी क्वाइल के ऊपर आने वाले वोल्टेजेस इस वक्त यहाँ पे होंगे। फिर हम बात करते हैं इस क्वार्टर की, इस क्वार्टर में ये एंड नेगेटिव बन चुका है, ये एंड पॉजिटिव बन चुका है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसलिए सेकेंडरी क्वाइल बढ़ते हुए पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और बढ़ते हुए नेगेटिव के सामने नेगेटिव बनाएगी। अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर साउथ पोल बन रहा है इस क्वाइल का अपना, और यहाँ पे बन रहा है नॉर्थ, और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ते हुए नॉर्थ के सामने साउथ बनाएगी और बढ़ते हुए साउथ के सामने नॉर्थ बनाएगी। और इस केस में यहाँ पे चूंकि ये वाला एंड नेगेटिव और डाउनवर्ड रिप्रेजेंटेड जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो क्वार्टर आएगा वो क्वार्टर कुछ इस किस्म का होगा, ये वाला क्वार्टर होगा। और उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेजेस की बात की जाए, तो चूंकि इस बढ़ते हुए नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनना है और बढ़ते हुए साउथ के सामने साउथ ही बनना है, इसलिए ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्वार्टर अपेयर होगा। फिर हम फाइनल क्वार्टर की बात करते हैं, इस क्वार्टर में ये एंड नेगेटिव और ये एंड पॉजिटिव ही है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, दैट मीन्स ये एंड नॉर्थ ही है और ये एंड साउथ ही है, इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। सो कम होते हुए नॉर्थ के सामने नॉर्थ और कम होते हुए साउथ के सामने साउथ बनेगा, अब ये एंड प्लस ये एंड माइनस बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की
वेव होगी जो कि कोसाइन वेव है। कौन सी वेव है? कोसाइन वेव है। जबकि जो इनपुट वेव थी वो कौन सी वेव थी? वो साइन वेव थी, क्योंकि ये साइन थीटा का फंक्शन है। लेकिन जो अब वेव प्राइमरी वोल्टेज के अगेंस्ट इंड्यूस होने वाले सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की या ईएमएफ की है, वो कोसाइन वेव है। और उसके अगेंस्ट जो सेकेंडरी की बात है तो वो कम होते हुए नॉर्थ के सामने साउथ और कम होते हुए साउथ के सामने नॉर्थ बनाएगी। ये एंड प्लस, ये एंड माइनस बन जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो सेकेंडरी वोल्टेजेस की जो इक्वेशन है, तो सेकेंडरी वोल्टेजेस की जो रिप्रेजेंटेटिव टर्म है वो अगेन कॉस थीटा है, दैट मीन्स कोसाइन वेव है ये भी। अगर हम यहाँ पे वाइंडिंग सेंस अलग कर देते, दैट मीन्स हमने जो वाइंडिंग इस तरह से की है वो इस तरह से कर देते, फिर हमारे पास जो वेव आती वो वेव ये वाली वेव आती और उसे हम माइनस कॉस थीटा का फंक्शन कहते। तो इस तरीके से चूंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर अप्लाइड वोल्टेजेस में आने वाले चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो कॉइल जनरेट करती है वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी कॉइल के अंदर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है। सो इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से पावर ट्रांसफर होती है। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल किसी भी सूरत में आपस में कनेक्टेड नहीं है इलेक्ट्रिकली। उनका आपस में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के जरिए से है। सो ये इसकी लॉजिक है। अब हम देख लेते हैं कि इस पार्ट का आंसर हमने राइट डाउन कैसे करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से राइट डाउन करेंगे। इन ट्रांसफार्मर्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट दीज कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड विद ईच अदर। द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड बाय प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल एज इट इज आल्सो पासिंग थ्रू इट। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल इज चेंजिंग, द फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल विल आल्सो बी चेंजिंग, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई एस बाय डेल्टा टी, एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ अ म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इज जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल गिवन बाय ES इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन प्राइमरी कॉइल। इफ अ लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल्स इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो थ्रू इट, जिसे हम IS का सिंबल असाइन करते हैं। और सेकेंडरी पावर के लिए क्या लिखते हैं? VS IS लिखा जाता है इस तरह से। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर देना है। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बारी आती है। क्वेश्चन है 15.18। When the primary of a transformer is connected to AC mains, the current in it is very small if the secondary circuit is open, but increases when secondary circuit is closed. Explain these facts. तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले describe कर लेते हैं। The powers relation for an ideal transformer is given by input power is equal to output power or primary power is equal to secondary power. For a power supply the expression of electrical power is given by P is equal to VI. So PP is equal to PS becomes VP IP is equal to VS IS, where PP is equal to VP IP and PS is equal to VS IS. अब हम जरा चलते हैं अपने पूछे गए क्वेश्चन के पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए क्या पूछा गया है? इज वेरी स्मॉल इफ सेकेंडरी सर्किट इज ओपन। So, हम यहां पे पहले पार्ट का आंसर करते हैं, लिखते हैं ए पार्ट। इफ
सेकेंडरी सर्किट इज ओपन देन आई एस इज इक्वल टू जीरो, हेंस पी एस इज इक्वल टू वी एस आई एस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. सिंस प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर और वी पी आई पी इज इक्वल टू पी एस, हेयर पी एस इज इक्वल टू जीरो, सो वी पी आई पी इज इक्वल टू जीरो. आइदर वी पी इज इक्वल टू जीरो और आई पी इज इक्वल टू जीरो. सिंस VP is not equal to zero, हमने प्राइमरी कॉइल्स के अक्रॉस इनपुट प्रोवाइड की है, सो IP is equal to zero, nearly equal कह लें, क्योंकि कुछ पावर लॉस होती है हीट की सूरत में, तो इसलिए प्राइमरी करंट एग्जैक्टली जीरो नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट जीरो के करीब होता है. सो दिस इज द रीजन दैट the current in AC mains is very small. अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ. बी पार्ट में क्या पूछा गया है? पूछा गया है current in it increases when secondary circuit is closed. Explain these facts. So बी पार्ट की तरफ चलते हैं. बी पार्ट में पूछा गया है इफ द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड देन आई एस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एस इज इक्वल टू वी एस आई एस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. Since primary power is equal to secondary power or VP IP is equal to secondary power, it becomes VP IP is not equal to zero. So VP is not equal to zero and IP is also not equal to zero. That is why when secondary circuit is closed, current flowing in AC mains also increases. I hope आपको ये short questions अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Dear students, next question हम next lecture में continue करेंगे. So until then, खुदा हाफिज़.